नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक ऑनलाइन सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं मीट द ऑथर। अलग अलग सेक्टर्स से हम अलग अलग विषय को लेकर आते हैं, मसलन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ट्रेवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इस वीक हमने जो डिस्कस किया है, आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर, और उसके अंतर्गत जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊँगा। कहते हैं कि धान एक प्रमुख फसल है और जिसे चावल निकाला जाता है। हिंदुस्तान के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर धान की खेती की जाती है, और यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया सहित विश्व की बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण खाई जाने वाली फसल है, अनाज है। और विश्व में मक्का के बाद जो कि तीसरे नंबर पर अनाज आता है उसको कहते हैं धान, और जिससे जो ये धान उपजाते हैं उनको कहते हैं धान किसान, यानी पैडी फार्मर। समझ गए होंगे आप कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हम टॉपिक आज लेकर आए हैं वो है पैडी फार्मर। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी सी देर में उनका भी मैं आपसे सभी से तारुक कराऊंगा। चलिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपके इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप क्या करेंगे, आप टेलीफोन कर सकते हैं। देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर ये टेलीफोन नंबर 8800440559, यहाँ पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं dts.class10@cit.nic.in पर। इस प्रोग्राम से लाइव जुड़ने के लिए आप PME विद्या का चैनल नंबर जो 10 है उसको ट्यून इन कर सकते हैं, और NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो फिर इस प्रोग्राम की कवरेज वहां पर भी जारी है, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। समय हो गया है अपने एक्सपर्ट को इन्वाइट करने का, जिनसे हम समझेंगे ये पूरी ये जो विधा है, तफसील से इसको हम जानने की कोशिश करेंगे धान किसान के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर R.K. पाठक, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या PSS, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जिक्र किया, हम सब जानते हैं कि किसान इस देश का अन्नदाता है। गेहूं की बात करें, धान की बात करें, प्रमुख दो ऐसे अनाज हैं जो बहुतायत मात्रा में सारी ऋतुओं में यूज़ किए जाते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। तो धान की फसल के बारे में हम बात कर रहे हैं और धान जो उपजाते हैं वो हैं किसान, तो धान किसान पैडी फार्मर, आप किस तरीके से इसको विनियमित करना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें। हम आपको धान किसान या पैडी फार्मर के बारे में बताने जा रहे हैं जी। तो ये कोर्स जो है हमारा 9th और 10th में कई स्टेट में चल रहा है, बड़ा पॉपुलर कोर्स है। छत्तीसगढ़ में है, आपका हरियाणा में है, हिमाचल में, कई स्टेट ऐसे हैं जो इस कोर्स को बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। उसका उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को एडवांस कल्टीवेशन है धान के बारे में, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है हमारी, जो हम लोग कर रहे होते हैं वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि उन्नत खेती हम कैसे कर सकें। यदि वो यदि एंटरप्रेन्योर या वो अपना उद्यमता के हिसाब से अपना वो काम करना चाहे तो वो अपने धान की खेती कैसे कर सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है। तो प्रॉफिट के लिए है कि हमें विधिवत जो हो ये प्रोसीजर जो है, जो रिकमेंडेशंस है, उस हिसाब से हमें खेती इसकी करनी पड़ेगी। और इस खेती में जो करते हैं, जो कल्टीवेशन का पार्ट है, वो सोइंग से लेके यानी बीज का सिलेक्शन से लेके और हार्वेस्टिंग से लेके मार्केटिंग तक, और जो हमारे पास आता है कंज्यूमर के पास, हम उसका यूज करते हैं, वो सभी चीजें जो है इस पैडी में, फार्मर में कोर्स में हमने सम्मिलित की है, क्योंकि जिससे बच्चों का ये अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए कि कल्टीवेशन में सीड सिलेक्शन कैसे करते हैं, सीड का क्या महत्व है, और सीड के बाद उसमें और कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम उसमें नर्सरी बनाते हैं, तो नर्सरी प्रिपरेशन की बात है, और नर्सरी के बाद से लेके हार्वेस्टिंग तक की बात की है। तो इसमें हमने जो पहले अपने सेशन में पैडी फार्मर क्लास 9th कक्षा 9 के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें बता दें हम आपको क्या क्या बताया था, तो बच्चों को थोड़ा सा ये जानकारी हो जाएगी कि इसमें 9th में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, उसके बाद हम 10th में बच्चों को क्या किस चीज पे बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो बता दें आपको कि जो हम किताब बनाते हैं अपने, जो बुक डेवलपमेंट होता है जो वोकेशनल बुक्स का, उसमें हमारे पास जो हर एरियाज में सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल ने ये देखा कि आने वाले समय में पूरे कंट्री में, पूरे देश में किस तरह के हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी काम धंधे के लिए, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो उन्होंने हमें डिफरेंट तरह के जो प्रोफेशंस हैं, जॉब रोल्स हैं, सेलेक्ट किए, इन्हें हम जॉब रोल्स कहते हैं इस भाषा में,
तो जैसे हमने हॉर्टिकल्चर की बात की तो उसमें सोलेनिसिस क्रॉप कल्टीवेटर का है जो 9-10 तो पढ़ाते हैं, फ्लोरिकल्चर ओपन कल्टीवेशन है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात है, माइक्रो इरीगेशन है, गार्डनर है, इस तरह से हमने तमाम तरह के जो है कोर्स डेवलप किए हैं और ये डिफरेंट स्टेज में पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ क्लास 9-10 के लिए है, कुछ 11th और 12th के लिए है। तो क्लास 9-10 में जैसे और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसी तरह से एक जॉब रोल बच्चा लेता है। अभी बच्चे के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, दूसरी चीज आपके स्कूल में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरह के टारगेट ग्रुप अवेलेबल है, उस हिसाब से हम कोर्स का जॉब रोल का चयन करते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया, वो हमने क्वालिफिकेशन पैक जो लिखा हुआ है तो उन्होंने बताया कि सर पैडी फार्मर में आपको ये चीजों की आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी बताने के लिए बच्चों को कल्टीवेशन में। तो उन्होंने हमें जो क्वालिफिकेशन पैक सजेस्ट किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन पैक वी हैव प्रिपेयर्ड द कोर्स कैरिकुलम, उसका हमने कैरिकुलम बताया बच्चों के हिसाब से कैसे हम उसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, और उस कैरिकुलम के हिसाब से हमने ये लर्निंग आउटकम बेस्ड कैरिकुलम बनाया है। उसमें ये पता लगेगा बच्चा की कोई भी काम क्लास है या एक्टिविटी है उसके करने के बाद कितना वो सीख पा रहा है, लर्निंग का आउटकम क्या रहेगा, इसको हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कैरिकुलम की बात हो गई। कैरिकुलम के बाद में फिर हमने उस पर किताब का विकास किया, विकसित की किताब को डेवलप किया बुक को, और बुक राइटिंग में एक्सपर्ट की हेल्प भी ली गई। तो उस हिसाब से हमने क्लास 9-10 के लिए ये जॉब रोल में बुक डेवलप की। उसके बाद जो 9th में हमने आपको बताया था, तो सबसे पहले हमने बच्चों को बताया था क्लास 9th में कि इंट्रोडक्शन टू पैडी कल्टीवेशन, कि पैडी कल्टीवेशन में इंपॉर्टेंस क्या है, राइस कल्टीवेशन की क्यों हम करते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सी वेराइटीज हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, कहीं हम धान की एक फसल लेते हैं पैडी की, कहीं हम दो फसल लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए क्लाइमेट दूसरा है, साउथ के लिए अलग है और नॉर्थ इंडिया के लिए अलग है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में हमने बच्चों को जानकारी दी थी। दूसरी चीज उसके बाद फिर हमने बच्चों को बताया था उसमें कि लैंड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे मूलभूत चीज है बीज का चुनाव कर लिया, सीड सिलेक्शन कर लिया, सीड के बाद हम अपना जो लैंड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो लैंड प्रिपरेशन में हमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट का इक्विपमेंट्स का यूज होता है तो उनके बारे में बताया, कहाँ से अवेलेबल होंगे, कैसे उनका यूज करेंगे, कौन से लैंड प्रिपरेशन में यूज होते हैं, कौन से उसमें और बाकी जो कर्षण क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं कल्टीवेशन के दौरान, उनमें किस तरह के इम्प्लीमेंट का हम यूज करते हैं, तो बच्चों को बताया था। फिर मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ राइस कल्टीवेशन में हमने मेथड प्लांटिंग में नर्सरी हम तैयार करते हैं, नर्सरी के बाद में हम उनको सोइंग करते हैं। तो एक तो मेथड होता है डायरेक्ट सोइंग मेथड, जैसे हम गेहूं की सोइंग करते हैं तो धान की भी सोइंग करते हैं, तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग में धान को हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं, क्यारी में पौध जैसे कहते हैं पौध तैयार करते हैं और उसको फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद फिर हमने नर्सरी प्रिपरेशन के बारे में बताया कि नर्सरी प्रिपरेशन तो धान की खेती करते हैं, जो पैडी फार्मिंग करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, क्योंकि नर्सरी में ही हम अपनी पौध तैयार करते हैं और वही पौध से हमें बाद में उत्पादन मिलता है। तो टाइप्स ऑफ नर्सरी कौन कौन सी होती है, सीड सोइंग के मेथड क्या है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग है या लाइन सोइंग है या किसी मशीन के थ्रू सीड ड्रिल के थ्रू सोइंग करते हैं, तो ये सोर्स हो गए। और टाइप्स ऑफ नर्सरी में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नर्सरीज को बनाते हैं, जहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो वहाँ नर्सरी अलग तरह की बनेगी, जहाँ पानी की शॉर्टेज है वहाँ नर्सरी को हम अलग तरह से बनाते हैं। तो मोस्टली रेज्ड बेड है या संकीर्ण बेड है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की सॉइल अवेलेबल है, किस तरह का हमारे पास एरिया अवेलेबल है, उस हिसाब से नर्सरी का हम चयन करते हैं। और कहाँ नर्सरी बनानी चाहिए, ऐसा प्लेस हो जहाँ पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सुविधा हो, कनेक्टिविटी हो, या मार्केटिंग करनी हो, हमें किसी और को बेचना हो तो क्या करना चाहिए। इसके बाद फिर नर्सरी में भी हमारे के पास खरपतवार आते हैं, वीड्स आते हैं, पेस्ट्स आते हैं, डिजीजेज लगती हैं, क्योंकि नर्सरी की डिजीज थोड़ी सी अलग तरह की होती है, मैनेजमेंट अलग तरह का होता है, क्योंकि स्मॉल एरिया में मैनेज करते हैं और नर्सरी में जो पौधे होते हैं वो ट्रू टू टाइप हों, शुद्ध हों, शुद्ध प्रजाति के हों, स्वस्थ हों, क्योंकि ये नर्सरी में बीमारी लग जाएगी और जब खेत में पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे तो खेत में ट्रांसप्लांट करते समय हमारे पास ये बीमारी है जो इंसेक्ट है या जो और भी चीजें होती हैं वो खेत में पहुंच जाती हैं, तो हम उस समय इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मतलब बीमार सीड को या बीमार पौधे को भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसलिए हमें नर्सरी स्टेज पे इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
तो ये बातें हमने बताई थी। उसके बाद पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करी थी। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में नर्सरी के बारे में बताया था बच्चों को कि यदि मान लीजिए आपके पास सरप्लस नर्सरी है तो आप उसको कैसे पैक करेंगे, कैसे बंडल बनाएंगे, कैसे वो बन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमें कहीं ये सेल करना हो तो नर्सरी को हम कैसे भेजेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। कुछ लोग नर्सरी ग्रोइंग का ही काम करते हैं। दूसरी चीज है ग्रोथ स्टेज ऑफ राइस के बारे में बताया था कि राइस की जैसे मान लीजिए सीडलिंग स्टेज होती है, जब जर्मिनेट होता है तो सीडलिंग स्टेज है, उसके बाद फिर आपका ट्रांसप्लांटिंग स्टेज होती है जो 15 से 25 दिन का समय होता है, उसमें हम पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद टिलरिंग स्टेज मतलब एक पौधे से कई पौधे निकलते हैं, उसमें तमाम तरह से और पौधे तैयार होते हैं। जैसे एक सीड होते हैं तो बाद में पता लगता है उसमें और भी कई तरह के जो पौधे टिलरिंग होती है, टिलर्स निकलते हैं और कल्ले निकलते हैं जिन्हें कहते हैं हम, और उनसे हमें कई पौधे मिलते हैं। तो वो स्टेज होती है। उसके बाद में फिर उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज है, बूटिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, मिल्की स्टेज है, और फिर हार्वेस्टिंग स्टेज है। तो इन स्टेज का बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये स्टेज हम जब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जब खेती करते हैं, तो इन स्टेज का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। जैसे इरिगेशन हमें करना है, वीडिंग करना है, खरपतवार को रोकना है, या केमिकल या स्प्रे करना है, इंसेक्ट का कंट्रोल करना है, और कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है, उन स्टेज को हमें ध्यान रखना होता है। फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन के बारे में बताया था कि हमें कैसे पौध को स्वस्थ रखें, तो उसमें क्या क्या इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, मैकेनिकल क्या है, मैनुअल्स क्या है, या हम किसी इंटरकल्चर ऑपरेशन को मशीन के थ्रू करते हैं या हाथ से करते हैं, जैसे और जो कृषक भाई हैं जो और लेबर होते हैं लगा के काम करते हैं, तो उस तरह की चीजें हमने बताई थी। दूसरी चीज है बीडिंग, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसमें इशू होता है, तो हमने उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं इस काम में। फिर हमने सीड प्रिपरेशन के बारे में बताया, तो क्योंकि सीड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सीड नहीं है तो आपकी कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो, कितनी भी अच्छी कल्टिवेशन प्रैक्टिस हो आपकी, लेकिन आपके पास सीड का सिलेक्शन सही नहीं किया, सही वैरायटी का, क्योंकि वैरायटी को सिलेक्शन करने के लिए, सीड को सिलेक्शन करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा मार्केट किस तरह का अवेलेबल है, नंबर वन हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट अपने लिए है, मार्केट के लिए हम कर रहे हैं पैदा, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस तरह का मार्केट हमारे पास नियर बाई एरिया में अवेलेबल है या नहीं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, हमारे सीजन के हिसाब से हमारी क्लाइमेट जो है, हमारी जलवायु उस हिसाब से इस वैरायटी उचित है या नहीं है। कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम कहीं देख लेते हैं और पता लगता है कि बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए वो वैरायटी उचित नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो इन सब चीजों को भी हम सब चीजों का ध्यान रखते हैं। क्यों सेंटेड राइस है या हम पोहा के लिए यूज करते हैं तो कौन सी वैरायटी यूज करेंगे, हमारे पास वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है इरीगेशन की, तो अच्छी इरिगेशन है तो कौन सी वैरायटी लेंगे, या इरिगेशन की शॉर्टेज है तो कैसे करेंगे हम, या रेन फेड है, वर्षा पे आधारित है, तो हम किस तरह की वैरायटी का चुनाव करेंगे। फिर इम्प्रूव्ड एंड इंडिजिनस राइस वैरायटीज, तो जो हाइब्रिड वैरायटीज आई हैं और जो अच्छी उन्नत किस्में डेवलप हुई हैं उनके बारे में बताया है, और जो राइस वैरायटी की और भी ट्रेड्स हैं उनके बारे में जानकारी दी। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया। वाटर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, क्योंकि पैडी या धान के साथ में वाटर का ऐसा जुड़ा चोली दामन का रिश्ता है, मतलब तो बिना पानी के धान होना मुश्किल होता है। तो जहाँ वाटर रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं क्रॉप की, जहाँ रेनफॉल अच्छा होता है या इरीगेशन फैसिलिटी हमारे पास है, चाहे वो कैनाल इरीगेशन हो, चाहे ट्यूबवेल के थ्रू हो, या और कोई सोर्स हो हमारे पास, तो वाटर रिक्वायरमेंट में 1 किलो धान पैदा करने के लिए 4 से 5 हजार लीटर पानी लगता है। यानी कि 1 kg हमें राइस प्रोड्यूस करते हैं, धान प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हमें 4000 to 5000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो पर एकड़ के हिसाब से अलग रिक्वायरमेंट, इतना पानी लगता है। इसलिए वाटर मैनेजमेंट जो है आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है राइस में, क्योंकि कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा कैसे क्रॉप उगाए। और दूसरी चीज ये है कि पैदावार के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी को मैनेज करें, क्वालिटी भी अच्छी हो और मात्रा भी अच्छी मिले हमें, इसको भी हम मैनेज करना होगा। और वाटर सेविंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो उसमें मेथड ऑफ इरिगेशन के बाद में बताया। फिर हमने अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग वाटर को यूज के लिए कि खेत में उतनी पानी दें जितने पौधों की आवश्यकता है, उसके बाद जब सूखने लगे तो दोबारा पानी दें, इस तरह के डिफरेंट सेशन के माध्यम से हमने इन चीजों को कवर उसमें किया था। उसके बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताया था हमने 9th में।
सॉइल सैंपलिंग कैसे लेंगे, सॉइल सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे अब वैसे हम अभी किसान क्या करते हैं, सबको नाइट्रोजन की जरूरत है, सबको फास्फोरस, सब पोटास को, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमारे सॉइल का जो हमारी फील्ड है, जो हमारा खेत है, उसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। तो जब हम सॉइल सैंपलिंग करके सॉइल की एनालिसिस कराते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे फील्ड में नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की है या किसी और माइक्रो या मैक्रो इन्वायरमेंट, कुछ ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जिंक वगैरह है, जिनकी बहुत कम जरूरत होती है, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो जब हमें स्टेटस पता लगता है, कंडीशन पता लग जाती है सॉइल की, तब हमें क्या है फर्टिलाइजर देने में बड़ी सुविधा रहती है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं देंगे, फास्फोरस की डिफिशियंसी नहीं तो हम फास्फोरस अप्लाई नहीं करेंगे। अभी क्या है, जब हमारे पास स्टेटस पता नहीं होता है तो हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तुरंत नाइट्रोजन दे दी, तुरंत पोटास दे दिया और हम यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम है पौधे की वास्तव में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, फील्ड में इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है सॉइल सैंपलिंग और सॉइल एनालिसिस, तो एनालिसिस तो पार्ट साइंटिफिक है, लेकिन बच्चों को यहाँ तक है कि बच्चे खेत में अपना सैंपल कैसे कलेक्ट करें और सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उसे हम प्रॉपर जो लैब होती है वहां तक कैसे पहुंचाएं, इस पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया है। और सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, जो इशू होने लगी है, तो फार्मर्स एक बार अपना पूरे फील्ड में जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो अपने जो फर्टिलाइज रिक्वायरमेंट है, जो किस तरह की टाइप ऑफ सॉइल है, उसका पीएच क्या है, एसिडिक है कि सेलाइन है, एल्कलाइन है, उसका न्यूट्रिशन क्या क्या है, उसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल है, इनका एक हेल्थ कार्ड इश्यू हो जाता है। उसके बाद अपने फार्मर्स के पास रेडीमेड इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमारे में सब इसके हमें इस खाद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस खाद की कम जरूरत पड़ेगी। तो ये एक पार्ट हुआ, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और तरह के एलिमेंट्स हैं जो यूज करते हैं, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से अवेलेबल मिलेंगे, ऑर्गेनिक हैं या केमिकल्स हैं, या हम गोबर की खाद के थ्रू देंगे, हरी खाद के थ्रू देंगे या किसी और सोर्स के थ्रू देंगे। मेथड एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन की बात बताई थी हमने बच्चों को कि मेथड किस तरह से, मेथड हमारा है ब्रॉडकास्टिंग है या किसी मशीन के थ्रू देंगे, कैसे कैसे फर्टिलाइजर को हम करेंगे, स्प्लिट डोज में करेंगे, कई बार में देंगे या सिंगल एक ही बार में दे देंगे, इन सब चीजों के बारे में बच्चों को जानकारी मिलती है। दूसरी चीज न्यूट्रिशन डिफिशियंसी सिम्टम, बहुत महत्वपूर्ण चीज है बच्चे में कि ये पौधा हमारे पास खेत में हम पौधे देख रहे हैं तो पौधे की रंगत देख के, पौधे को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, पोटास की कमी है या जिंक की कमी है, क्योंकि उसमें सिम्टम्स शो होते हैं। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी सिम्टम्स हमें मालूम होते हैं तो हम खेत की कंडीशन को, क्रॉप की स्टेज को देख के बता सकते हैं कि इसमें इस तरह की अभी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाइजीन, फर्स्ट एड प्रैक्टिसेस के बारे में हमने जो बताया, उन्हें क्या होती है क्या नहीं होती है, तो इस सब चीजों के बारे में बच्चों को हमने क्लास नाइन्थ में बताया। और क्लास नाइन्थ के बाद जो टेंथ में जो हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि नाइन्थ की बात हो गई है, क्योंकि हमने आपको बैकग्राउंड बताने की जरूरत पड़ी थी कि हमें क्या क्या बताना होता है, तो जो क्लास टेंथ में हम बच्चों को बताएंगे, अब जो हमारा जो पोर्शन बचा है जो नाइन्थ में नहीं बताया, वो है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण। इसमें कॉमन वीड्स कौन कौन से हैं और आपका जो वीड्स का कल्टीवेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। दूसरा, वीड का मैनेजमेंट कैसे करेंगे प्रॉपर, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, यानी कि उसमें सभी तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं कंबाइंड, उनके बारे में बताएंगे। दूसरी यूनिट में हम कवर करने वाले हैं इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, जो कीड़े लगते हैं और बीमारियां लगती हैं, क्योंकि धान ऐसी क्रॉप है जिसमें बहुत ज्यादा बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप होता है, क्योंकि खरीफ सीजन की बरसात सीजन क्रॉप है, तो स्वाभाविक है इसमें कीड़ों का प्रकोप ज्यादा होता है। तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट इन पैडी कैसे करेंगे, डिजीज मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इस बारे में बच्चों को उसमें बताया गया है और हम उसमें विस्तार से जानकारी भी अब आपको देने वाले हैं। दूसरी बात, स्ट्रॉ मैनेजमेंट इन पैडी, स्ट्रॉ मैनेजमेंट का मतलब है धान का जो पैरा होता है या धान का जो पुआल होता है जो क्रॉप हार्वेस्ट कर लेती है तो बचता है, क्योंकि इसमें बड़ी समस्या है, बहुत सी जगह हम स्ट्रा में आग लगा देते हैं, उसे जल बर्निंग करते हैं, जला देते हैं, या और कैसे इसको प्रॉपर तरह से यूज कर सकें जो हमारा सॉइल की हेल्थ भी बनी रहे, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को भी कैसे अवॉइड करें, तो इन सब चीज़ों को हम बताएंगे आपको। फिर हार्वेस्टिंग स्टोरेज, अल्टीमेट क्रॉप को हम हार्वेस्ट करेंगे और उसको प्रॉपर कैसे हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे हार्वेस्ट करेंगे और कहाँ कहाँ कैसे स्टोरेज करेंगे। फिर पैडी मार्केटिंग की बात है, तो पैडी मार्केटिंग में जो हम बताएंगे कि आपको ये लोकल मार्केट है, इससे प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, टर्सरी मार्केट है, मंडीज हैं, कहाँ कैसे ले जाएगा और कहाँ कैसे मार्केटिंग होती है बच्चे को, क्योंकि हम प्रोड्यूस तो कर लेते हैं लेकिन मार्केटिंग की जानकारी ना होने से प्रॉपर तो हमें उसका प्रोड्यूस का जो अपनी कीमत है वो सही तरह से नहीं मिल पाती और पता नहीं होता है कि इस चीज को हम कहाँ ले जाएं।
फिर हैंडलिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन ड्यूरिंग पैडी क्रॉप प्रोडक्शन। हैंडलिंग इमरजेंसी सिचुएशन का मतलब ये होता है कि जब हम धान की खेती करते हैं तो उस समय कभी कभी क्या होता है कि मानसून में बरसात बहुत होती है या बिल्कुल नहीं होती है, या मानसून बहुत लेट आता है या बहुत अर्ली विड्रॉ हो जाता है, चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि ऐसे में अपनी क्रॉप को हम कैसे बचाएं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इस बारे में भी बच्चे को जानकारी किताब में दी गई है और अभी हम आपको बताने वाले हैं। फिर दूसरा है सबसे लास्ट में ये मेंटेनेंस हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एट वर्क प्लेस। इसमें प्रिवेंटिंग हजार्ड्स कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस। तो हम खेतों में काम करते हैं जिसमें हम डिफरेंट तरह के हल से काम करते हैं और तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उनको हम सेफली कैसे यूज करें, उनका रख रखाव कैसे करें हम, या हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या हमें चोट लगती है कुछ भी, तो उसके हम कैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है या उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी देंगे। तो ये तो घंटे का समय हमारे पास बाकी है और 10th स्टैंडर्ड के बैकग्राउंड की आप बात कर रहे थे, काफ़ी सारे 9th स्टैंडर्ड की जो आपने हमें सभी बताई बहुत ही कमाल की वो इन्फॉर्मेशंस थी। कक्षा 10 की बैकग्राउंड की तरफ हम जा रहे हैं। आपने एक टर्म यूज़ किया था खरपतवार, अगर फसल है तो ओब्वियसली खरपतवार ये एक चोली दामन वाला साथ है। ये खरपतवार क्या है और क्या ये मर्ज है, फसलों के साथ इसका कनेक्शन क्या है, कितना हानिकारक है, क्या इससे कोई लाभ भी है, ये थोड़ा सा जरूर आप क्लियर करते हुए चलें। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छा पूछा कि पहले तो ये बताएं वीड होते क्या है। वीड ऐसे पौधे होते हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने पैडी का कल्टीवेशन कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती में गेहूं का पौधा हो गया तो उसे हम वीड ही कहेंगे, या ज्वार का पौधा हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, वीड है, क्योंकि हमारा जो सोल क्रॉप है वो है पैडी। इसी तरह से लॉन लगाते हैं, लॉन घास में हम धूप घास लगाते हैं साइनोडेंड्रोन, तो लॉन में और तरह की घासें हो जाती है, जबकि वैसे तो वो वीड में आता है साइनोडान, लेकिन वहां हम लॉन लगा रहे होते हैं तो लॉन के अलावा जो दूसरी घासें होती है उसे वीड हो गए लॉन में, ठीक है। तो दीज आर अनडिजायरेबल प्लांट्स स्पेशली ग्रोइंग अमंग द क्रॉप गार्डन, क्रॉप में हो सकते हैं, खेत में हो सकते हैं, ऑर्चर्ड में हो सकते हैं, और इनका कंपटीशन होता है। सबसे बड़ी चीज है कि कंपीट करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए इनका कंपटीशन होता है, वाटर के लिए कंपटीशन होता है, सनलाइट स्पेस, क्योंकि जब पौधे फील्ड में होंगे तो नेचुरली ये कि इन्हें भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा, और जो हमें मेन क्रॉप के लिए जो हम अप्लाई करते हैं वो इनका यूज ये वीड करते हैं। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वीड में जो लॉस होता है पैडी में देखा जाए तो 37% तक जो लॉस होता है क्रॉप का वो ड्यू टू वीड्स होता है, खरपतवारों की वजह से होता है, और इंसेक्ट की वजह से लगभग कीड़ों की वजह से 29% एंड एवरेज जो है रिसर्च में पता लगा है कि 29% हमारी ईल्ड जो होती है धान में कीड़ों की वजह से हमारा नुकसान होता है, ये हम 100% में डिवाइड करके देखें तो। और डिजीज के लिए जो बीमारियां होती है उसमें 22% जो हमारा लॉस होता है वो बीमारियों के थ्रू होता है, और जो एनिमल्स हैं जैसे चूहे लग जाते हैं और भी चीज़ें होती हैं उनको में 10-12% तक हमारा जो लॉस होता है वीट्स के थ्रू होता है। तो अब ये तो वीट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी। दूसरी चीज़ कॉमन वीट्स कौन कौन से धान में होते हैं, तो उसमें ग्रासेज हैं, सेजेज हैं। ग्रासेस में मतलब जो आप देखते हैं, क्योंकि खुद को धान में जो वीड्स होते हैं उनमें सेजेज जो ग्रासेस होती हैं ऐसे पौधे होते हैं इतने सिमिलर होते हैं कि जिनमें फ्लावरिंग ना हो या किसान जो एक्सपीरियंस है वो कभी कभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज जो ले मैन है जिन्हें फसल की जानकारी नहीं है तो वो ये देख के पता नहीं कर पाते हैं कि इसमें ये वीड का पौधा है या धान का पौधा है। इतने सिमिलर कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेन क्रॉप या जो पैडी क्रॉप से सिमिलर होते हैं। तो उसमें पहली तो बात है ग्रासेस, तो ग्रासेस में जैसे जंगल रायस है और भी तरह से जो है, मतलब हमने किताब में उसकी फोटो भी दी है बच्चों को जानकारी के लिए और किस तरह की ग्रासेस होती हैं उनके बारे में, तो एक तो ग्रासेस होती हैं। सेजेस का मतलब ये होता है कि जिनके ट्रेंगुलर होता है स्टेम, इनका थोड़ा ग्रासेस का राउंड होता है, इनका ट्रेंगुलर स्टेम होता है, इसका मतलब करेक्टर होता है, उन्हें सेजेस ग्रुप में, खरपतवार होते हैं वो सेजेस ग्रुप में रखते हैं। तो जंगली मेहंदी है, गोकुला कांता है, मतलब डिफरेंट। अब तो वीड केस में क्या है कि ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, क्लाइमेट स्पेसिफिक होते हैं। जो एमपी में वीड जो पैदा हो रहे होंगे, जो यहाँ है खरपतवार जरूरी नहीं है वो वीड हमारा तमिलनाडु में भी मिले आपको, या तमिलनाडु में जरूरी नहीं आसाम में भी पाए जाएंगे। तो वीड्स भी जो है लोकेशन के हिसाब से और हिसाब से खेतों में पाए जाते हैं। कुछ वीड्स ऐसी हैं जो ऑल ओवर द कंट्री कॉमन होते हैं, धूप घास है और भी घास हैं जो पाए जाते हैं। दूसरी चीज इसमें ब्रॉड लीव्स होते हैं, जैसे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, तो ग्रासेस तो पतली पत्ती वाले होती हैं जिनकी पत्तियां लंबी होती हैं, पतली होती हैं, उनमें जो वेनेशन होता है वो वर्टिकल होता है, मतलब इस तरह का होता है, जबकि इनमें क्या होता है, सिरा विन्यास जो होता है ब्रॉड लीफ में, जैसे हम
बहुत जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे देखते हैं उनका जो करेक्टर अलग होता है। तो इसमें ग्रासेस है, सेजेज है और हम ब्रॉड लीव्स की बात करते हैं। दूसरी चीज क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास खरपतवार पाए जाते हैं ये एनुअल्स हैं, वाइनियल्स हैं और पेरिनियल्स हैं। एनुअल्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल जैसे कहते हैं हम एक साल में कंप्लीट हो जाती है, मतलब सीड टू सीड जो है एक साल में, तो उन्हें कहते हैं हम एनुअल वीड कहते हैं। बहुत से वीड से होते हैं जो धान की क्रॉप के साथ ही पैदा होते हैं और उसके साथ में समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हार्वेस्ट हो जाते हैं। बाइनियल होते हैं जिनकी सीड टू सीड लाइफ साइकिल होती है, वो दो साल में कंप्लीट होती है, उन्हें हम बाइनियल कहते हैं। जैसे एक साल उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, वनस्पतिक ग्रोथ होगी और सेकेंड ईयर में उन्हें फ्लावरिंग आएगी और सीड फॉर्मेशन होगा, तो ये बाइनियल हो गया। एक पेरिनियल होते हैं जिन्हें बहुवर्षीय कहते हैं, जो एक बार पूरे हो जाते हैं तो बार बार होते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं लेकिन फिर पैदा होते रहते हैं, ये पेरिनियल नेचर के होते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन है एनुअल्स, बाइनियल, पेरिनियल, ये बच्चों को हमने बताया है। तो बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसे पता होना चाहिए कि, और जब ये मालूम होता है कि एनुअल्स है बाइनियल्स, तो उनका हम कंट्रोल मेजर्स भी उसी हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमें नहीं मालूम होगा कि किस तरह का ये नेचर है तो हमें कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, तो उनका समाधान है जो मैनेजमेंट करेंगे बीज का उसमें ये जानकारी जरूरी है। कॉटिलीडेंस के हिसाब से करते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, जैसे एक बीज पत्री खरपतवार होते हैं या द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं, इनके बारे में हमने जानकारी दी है। अब वीड कंट्रीब्यूशन का जो हम आपको बात बता रहे थे कि ये क्या इनका इफेक्ट पड़ता है, तो इफेक्ट तो ऐसा है कि वीड्स कंप्लीट द मेन क्रॉप, ये स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं, तो हमारी यील्ड को प्रभावित करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को प्रभावित करते हैं, और हमारी जो यील्ड मिलती है उसमें वीड सीट जाते हैं, तो उससे हमारी गुणवत्ता खराब होती है। दूसरी चीज है कि ये क्या है, वीड का सबसे बड़ी चीज है कि वीड एक ऐसे सोर्स होते हैं जो मेन क्रॉप नहीं होती है, धान की क्रॉप नहीं होगी तो उससे जो रिलेटेड इंसेक्ट, जो धान में इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं और जो बीमारियां लगती हैं, वो मेन क्रॉप की एब्सेंस में वीड सीट पर सर्वाइव करती है कीड़े और बीमारियां, और जब वो सर्वाइव करते हैं तो जब हम क्रॉप बोते हैं तो वो ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल होते हैं, तो इनका ही बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हैं सर्वाइवल में, जो तो इससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कल्टीवेशन प्रभावित होती है। और प्रेजेंस ऑफ पेडीफील्ड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो नेचुरली कि आप उसकी निराई गुड़ाई करेंगे, टिलेज करेंगे और ऑपरेशन करेंगे, जिससे हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और इससे हमारी यील्ड भी कम होती है। अब देखा जाए तो जैसे अपलैंड राइस और डायरेक्ट सीड, कुछ ऐसे राइस होते हैं जहाँ पानी कम होता है, अपलैंड होती है, जमीन थोड़ी ऊपर होती है, वहाँ हम लाइन सोइंग करते हैं, वहाँ हम ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते, वहाँ लाइन सोइंग करते हैं, जैसे गेहूं की सोइंग करते हैं उसी तरह से धान की सोइंग करते हैं, तो वहाँ जो है खरपतवार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और 35 से 45% तक हमारा ये यील्ड पर प्रभाव पड़ता है मैनेज ना करें तो। तो उसमें डायरेक्ट सीज पडल लैंड होती है, उसमें हम सीड से भी होते हैं, और जहाँ पानी भरा रहता है मिट्टी को हम पडलिंग करते हैं, मिट्टी को हम पहले मुलायम बनाते पानी लगा के, तो उसमें 20 से 25% है, और जो ट्रांसप्लांटेड राइस है इसमें थोड़ा लॉस कम होता है, 10 से 15% तक खरपतवार से हमारा होता है। तो क्रॉप बीड का जो कंपटीशन के बारे में हमने बताया, क्रॉप बीड कंपटीशन में सबसे प्लांट डेंसिटी, जो फसल की सघनता होती है, ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप, किस स्टेज पे ये फसल है और खरपतवार का अटैक हुआ है, वीड की डेंसिटी क्या है, क्योंकि कितनी मात्रा में खेत में खरपतवार हैं, कभी कभी ऐसा होती है कि 1, 2, 10 पौधे होते हैं तो वो इकोनॉमिक लॉस नहीं करते हैं, फील्ड में बने रहते हैं, लेकिन कंट्रोल मेजर तो वहाँ करना पड़ा जरूरी हो जाता है जब हमारा आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाए, वीड हो, इंसेक्ट हो या डिजीज बीमारियाँ हो, इनका इफेक्ट जब हमारा इकोनॉमिक लॉस नहीं होता तो हमें उसे कंट्रोल करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनका प्रभाव हमारी गुणवत्ता पे और क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, मात्रा में, पैदावार पर पड़ता है, तो हमें स्वाभाविक है कि कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं, प्लांट डेंसिटी हो, ग्रोथ स्टेज हो, वीड डेंसिटी हो, राइस वेराइटी में हम कौन कौन सी, उनका ग्रोथ पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ों पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। क्रिटिकल फेज ऑफ वीड कंपटीशन के बारे में है, जैसे किस स्टेज पे कौन सा बीड या बीड होता है नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 15 से 45 दिन का पीरियड एक ऐसा होता है जिसमें पौधे में कल्ले भी निकलते हैं, यानी कि टिलरिंग भी होती है और साइड से नए पौधे तैयार होते हैं, पौधा एस्टेब्लिश करता है, अपनी ग्रोथ करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, जैसे उसके बाद उसमें रिप्रोडक्टिव फेज आती है, फूल आएंगी, बाल आएगी, बीज बनेंगी, तो ये स्टेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है खरपतवार के लिए, यदि इस स्टेज में बहुत ज्यादा खरपतवार होंगे तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा, तो ये क्रिटिकल फेज होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है जहां हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे, सेकंड सेशन में वीड मैनेजमेंट की हमने बात करी।
बीड मेजर में क्या है कि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मेजर्स टू मिनिमाइज बीड इन्फेस्टेशन, कौन कौन से हम ऐसी चीजें करेंगे जिससे बीड को मैनेज कर सकें और उनको हम उनकी पॉपुलेशन को 100% तो रोकना बहुत कठिन काम होता है, जीरो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी मिनिमाइज कर दें, इतनी कम कर दें कि उनका इकोनॉमिक से हमें आर्थिक लॉस ना हो, आर्थिक नुकसान हमें ना उठाना पड़े। तो टेकिंग केयर वाइल ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय देखना पड़ेगा खेत में प्रॉपर तैयार है, उस समय जरूरत होगी तो हम कंट्रोल करेंगे। रिमूवल ऑफ वीड्स अलोंग इरिगेशन चैनल, जो हमारी सिंचाई की नालियां होती हैं, सिंचाई जिन एक फील्ड से दूसरे फील्ड में या हम ट्यूबवेल से पानी नहर से पानी ले जाते हैं, तो उन सिंचाई की नालियों में भी आप देखते हैं खरपतवार होते हैं, वीड्स बने रहते हैं, तो उनको भी हमें प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, जिससे क्योंकि वहाँ बीज बनते हैं, वो बीज अंतोगत्वा हमारे फील्ड में ही आते हैं और वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे मेन क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं। सोइंग वीड सीरीज, वीड फ्री सीड्स, हाँ सीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ सीड हम प्रोक्योर करते हैं, सीड को परचेज करते हैं, तो उसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारा सीड ऐसा होना चाहिए जिसमें वीड सीड ना हो, क्योंकि सीड एक ऐसा माध्यम है कि जो वीड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है, पहुंचाता है। तो जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम सीड ले जाते हैं, तो सीड के साथ में वीड भी चले जाएंगे, तो वीड जहाँ वो वीड पाए नहीं जाते हैं, जहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, वहाँ भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सीड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्शन रिगार्डिंग डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड मैनेजमेंट। और दूसरी यूज ऑफ क्लीन इंप्लीमेंट, जो हम औजार यूज करते हैं, एक खेत में हमने काम किया, फिर दूसरे खेत में ले गए, फिर तीसरे खेत में ले गए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट होता रहता है, तो वहाँ हमें प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि वीड सीड है और बहुत सी चीजें हैं जो एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसमिट हो जाती है। डॉक्टर पाठक, मैं आपको बीच में रुक रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं समय का भी ध्यान दिला दूँ, अभी हमारे पास 20 मिनट का समय बाकी है और बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी क्लियर होने हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप शीघ्रता करें और इसको जल्दी फिनिश करने के बाद अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करने वाला हूँ कीड़े मकौड़ों के ऊपर। यस, आपने खरपतवार के बारे में बताया, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, इस पर भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। ये कीड़े मकौड़े जो आपने बताया कि 15 से 45 दिन का जो समय है वो फसल बीज से पौधा बनता है, फिर प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है। चलिए एक समय ये भी हो गया कि फसल कम से कम इतनी तो मैच्योर हो गई कि फसल जैसी दिखने लग गई। अब ये जो कीड़े मकोड़ों का समय है, ये कब कैसे उनको परेशान करता है, हालांकि किसान बीच बीच में जाके उसको चेक करते हैं, और कीड़े मकोड़े लग जाएं तो फिर उन चीज़ों को कैसे दूर किया जाना चाहिए, बहुत कम वक्त में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हम आपको बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ आपने पूछी, इंटीग्रेटेड बीज में हमारा डिजीज और इंसेक्ट का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो एक तो फील्ड सैनिटेशन है, जो साफ सफाई तो सबके लिए जरूरत है, खेत में भी साफ सफाई प्रॉपर जरूरी होना जरूरी है, जिससे उनका मल्टीप्लीकेशन कम होता है और सर्वाइवल कम होता है। और फील्ड की स्काउटिंग, स्काउटिंग का मतलब बीच बीच में फील्ड को ऑब्जर्व करते रहते हैं, तुम्हें पता लग जाता है कि कौन से कीड़े दिख रहे हैं, जैसे कीड़े नहीं होते दिखने लगते तो हमें समझ में आ जाता है इसमें कीड़े का प्रकोप शुरू हो गया है, और इनिशियल स्टेज जब हम कंट्रोल मेजर कर लेते हैं तो हमें बड़ी राहत मिलती है और आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, नहीं तो फिर हमारा लॉस भी होता है और हमारा केमिकल और हमारा जो एनर्जी है, जो हमारा चाहे वो मैन पावर हो या और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो हमें और लाइट ट्रैप है, जैसे हम रात में बल्ब जला देते हैं उस बल्ब में कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, आप देखते हैं जब बल्ब जलते हैं गाँव में तो बहुत से कीड़े आते हैं, तो लाइट ट्रैप भी खेत पर लगा के देख लेते हैं, उसमें कीड़े अट्रैक्ट होते हैं तो पता लग जाता है किस तरह के कीड़े आ रहे हैं, तो पता लग जाएगा कौन कौन से कीड़ों का अटैक हमारे फील्ड में हो रहा है। एक्सेस फर्टिलाइजर की बात है, जैसे हम किसान हैं जब ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा खाद दे देते हैं नाइट्रोजन वगैरह, तो वहाँ भी ससेप्टिबिलिटी क्रिएट होती है, ऐसे पौधे होते हैं इंसेक्ट पेस्ट के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। और क्रॉप की जो स्टेज है नर्सरी की, जो अप्रोप्रिएट स्टेज पर है कि नहीं, इस तरह की हमने उसमें रेसिस्टेंट वेराइटी की हमने बात करी, यूजिंग रिप्लेंट, नीम केक, सीड कर्नल सीड्स हैं उनको कैसे कैसे यूज करेंगे, तो ये मैनेजमेंट का मतलब है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का मतलब है, उसमें कल्चरल भी है, मैकेनिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है और केमिकल भी है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, तो डायबिटीज में दवा भी लेते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, डाइट कंट्रोल भी करते हैं, तो ये खान पान को नियंत्रण करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है कि दवा के साथ साथ और भी चीज़ें हम करते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वीड इंसेक्ट पेस्ट में। अब इसमें कंट्रोल की बात जहाँ तक है, कंट्रोल मेजर्स में कल्चरल मेथड्स हैं, फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स हैं और केमिकल कंट्रोल मेथड्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें कल्चरल मेथड्स में हैं जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सभी आती हैं कंट्रोल मेजर्स कल्चरल मेथड्स में। तो कल्चरल मेथड्स में आपका क्रॉप रोटेशन है, समर प्लाइंग है, जो गर्मी में हम जुताई करते हैं खेत की, फील्ड सैनिटेशन है, टाइम ऑफ सोइंग है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, और इसमें दूसरी चीज़ें और भी होती हैं
जैसे हम कोई कॉर्नोमीटर वगैरह जो मतलब वीट के लिए या और चीज यूज करते हैं, तो ये सब चीजें जो आती हैं कंसर्ट मेथड्स में आती हैं। फिजिकल मैकेनिकल मेथड्स में वो आती हैं जिससे हम हाथ से या मशीन के द्वारा हम कीड़ों को कंट्रोल करते हैं या उनका केमिकल, और दूसरा केमिकल का है तो केमिकल को यूज करते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो अब ये मेजर इंसेक्ट पेस्ट तो आपको है, आपके अवेलेबल है, फोटोग्राफ्स भी हैं, स्टेम बोरर है, गाल मेज है, आर्मी बॉर्म है, गंदी बग है, लीफ ऑपर्स हैं, ये सभी जो कीड़े होते हैं ये बहुत याद से धान में करते हैं, और मेजर यही इंसेक्ट हैं जो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हमें क्रॉप को करते हैं। तो इसमें जो है हमें जो डिजीज का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में तो हम आप बात कर दिए तो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो केमिकल ट्रीटमेंट लास्ट ऑप्शन होता है। देखते हैं कीड़ों की बर्बाद इतनी ज़्यादा हो गई कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सेलेक्ट करते हैं कि इस कीड़े के लिए कौन सी दवा रिकमेंडेड है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि दवा के साथ साथ क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि फार्मर्स क्या है कि एक्सेस क्वांटिटी केमिकल्स का बहुत यूज हो रहा है, सब्जियों में भी देख रहे हैं और भी देख रहे हैं केमिकल्स का जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द केमिकल्स, कि जितनी हमें 1 ml में काम चल जाएगा तो हम 5 ml उसका यूज करते हैं, तो उससे हमारा क्या है खेत हमारा वेस्टेज भी होती है, एफर्ट्स भी होती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है और हमें परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलता है। और तो हमें क्या है कि उसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी के साथ में राइट सिलेक्शन ऑफ दी केमिकल जो सिलेक्शन करना है उसको स्प्रे करना है, और कैसे कब करना है हमें, और सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत लेने होते हैं। जैसे हवा चल रही होती है जब स्प्रे कर रहे होते हैं तो कभी कभी किसान ध्यान नहीं देता है, आँख को प्रोटेक्ट नहीं करता है, नाक को प्रोटेक्ट नहीं करता है, हवा उल्टी आपके ऊपर बह रही होती है तो केमिकल हम छिड़कते हैं तो वो हमारे ऊपर उड़ के आता है, वो हम इनहेल कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो सेफ्टी मेजर्स के बारे में हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो मैकेनिकल मेथड में इसमें हो गया जैसे हम देखते हैं अपरूटिंग कर देंगे और खरपतवार हैं या और सब चीज़ें हैं उनको हम उसे काट देंगे, और जो चीज़ें हैं इनका यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें ये ट्रैप्स हो गए, ट्रैप्स हमने आपको बताया, ट्रैप्स होती हैं जो पट्टियां होती हैं डिफरेंट तरह की, इनमें जो कीट्स हैं जो कीड़े हैं अट्रैक्ट होते हैं और वे चिपचिपे पदार्थ होती हैं तो अट्रैक्ट इसमें बैठते हैं चिपक जाते हैं, तो ये फील्ड में यूज करते हैं। आप देखेंगे जो रिसर्च सेंटर्स से हैं आपको खूब देखने को मिलेंगे लगाते हुए। कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं जिसमें चमकते हैं तो चमक की वजह से जो तोते हैं और जो बर्ड्स होती हैं वो नुकसान कम पहुँचाते हैं। और दूसरी चीज़ है जो हम कीड़े जो सबसे बड़ा रोडेंट है जो चूहों का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ी समस्या है चूहे पैडी खेत में, तो उनके लिए हम ट्रैप्स यूज करते हैं जैसे जाते चूहे पिंजरा वगैरह हैं, स्मोकिंग बर्रो है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो उनके बिल में हम डालते हैं उनमें गैस निकलती है, और बर्रो फ्यूमिगेशन है उसमें फ्यूमिगेशन करते हैं गैस डालते तो उसमें जो चूहा वो मर जाएगा। और केमिकल कंट्रोल में आप जो जान ही रहे हैं तमाम तरह के केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल है उनको हम कंट्रोल करते हैं। अब दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं ये तो बीमारियों की बात हमने कीड़े की बात करी, अब बीमारियां भी उतनी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है इसमें। तो उसमें जो कॉमन डिजीज है ब्लास्ट है, बैक्टीरियल लीव ब्लाइट है, राइस्ट है, सीत ब्लाइट है, सीत रॉट है, ये जो 5-7 वेराइट हमें दी है बीमारी, ये हिंदुस्तान के में हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन ठीक है जैसे ब्लास्ट है तो कहीं ज़्यादा ब्लास्ट का प्रभाव हुआ, क्योंकि इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीमारियों के लिए। क्लाइमेट फैक्टर का मतलब है कि उस बीमारी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध है कि नहीं, तो क्लाइमेट नंबर वन है, जलवायु या क्लाइमेट सीजन, और उसके साथ साथ क्रॉप में जो वेराइटी शो है वो ससेप्टिबल है या रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट तो उसमें बीमारी कम आएगी या ससेप्टिबल है तो बीमारी बहुत ज़्यादा उसमें आएगी, और दूसरी बात टाइम है किस टाइम में ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और इन बीमारियों से हमें कंट्रोल कर सकते हैं। इनको भी हमें मैनेज करने के लिए कल्चरल मेथड्स है आपका, और फिजिकल मेथड्स है, बायोलॉजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स है। कल्चरल मेथड्स में आपको क्रॉप रोटेशन की बात कर दी, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि धान के बाद धान ना बोएं, धान एक से दलहनी फसल है उसके साथ हम सीरियल क्रॉप्स बो सकते हैं, गेहूं के बाद कुछ ऐसी फसल बोएं धान के बाद जो दलहनी फसल हो, इससे हमारी फसल की जो मिट्टी है उसकी खेत की मिट्टी की गुणवत्ता मेंटेन रहती है। दूसरी बात जो बीमारियाँ हैं वो कीड़े हैं उनका प्रकोप कम होता है, क्योंकि पल्स क्रॉप्स जो होती हैं जो डाले वाली फसलें उसमें अलग तरह के कीड़े लगते हैं, उनमें अलग तरह के कीड़े लगते हैं, ऐसी और चीज़ें होती हैं। तो जब हम क्रॉप कल्चरल मेथड्स में ये सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं क्रॉप रोटेशन वगैरह को, तो हम कर सकते हैं। समर प्लाइंग गर्मी में जो हम जुताई करते हैं, टाइम ऑफ सोइंग को भी इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइम सोइंग करते हैं, तो कभी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं कभी बहुत कम आती हैं। इस तरह से जो मेथड होते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स में हम कीड़े को कीड़े से कंट्रोल करना है या ट्राई करना और सब चीज़ें उनको यूज करते हैं, और केमिकल मेथड्स के बारे में आपको जानकारी है ही सबको, बस इसमें प्रिकॉशन की जरूरत होती है कि हर चीज़ में है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं सिस्टमिक नेचर के होते हैं, कुछ नॉन सिस्टमिक नेचर के होते हैं, कुछ हम सीड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, कुछ को हम फॉलियर एप्लीकेशन में यूज करते हैं, कुछ को हम सॉइल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये सब चीज़ें हमने विस्तार से अपनी किताब में बच्चों को जानकारी के लिए दी हैं, बच्चे जाके वहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उसके बाद जो हम अब आपको बताने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा जो बर्निंग टॉपिक है आज की डेट में, सब लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैन में, हम धान का जो पुआल होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, उसका हम कैसे प्रॉपर मैनेज करें। एक्स्ट्रा मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा क्या है क्या नहीं, ये तो आप धान काटते हैं, धान काटने के बाद में थ्रेसिंग के बाद जो चीज बचती है वो पैडी एक्स्ट्रा कहते हैं, उसको धान का पुआल भी कहते हैं और पराली भी कहते हैं उसे। हम पराली जलाने का जैसे आता है, पराली पर जलाइए आप, तो इसमें जो होता है मॉइस्चर होता है 15-18% होता है, वो धान होता है। अब जो मेथड है जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की, उस तो बर्निंग है, जैसे आप देखते हैं लोग आग लगा देते हैं, ढेर में लगा देते हैं या खेत में लगा देते हैं, इससे हमारी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट है उसमें नुकसान होता है और भी पॉल्यूशन भी होता है, तो उसको हमें कायदे से अवॉइड करना चाहिए। वो ट्रेडिशनल मेथड था जो पुराने समय में चल रहा था, लेकिन आज के समय में इसको हम इनकरेज नहीं करते हैं बर्निंग को। दूसरी बात, यूज एज ए मैन्योर, तो हम इसको एज ए खाद यूज कर सकते हैं, तो खाद बनाने के लिए डिफरेंट तरह की हैं, कंपोस्ट मेकिंग भी है, कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं और भी डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करने के लिए धान का पैरा उसका टुकड़ा काट लेते हैं, जो पिट्स होता है, गड्ढा होता है खाद बनाने का, उसमें भर देते हैं, उसमें कुछ चीज़ें इसमें सेलुलोज कंटेंट होता है, डिकम्पोजिशन उसका जो सड़न है बहुत धीमे होता है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आती है खाद बनाने में, तो उसके लिए हम यूरिया है या कुछ ऐसे बायो एजेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो उससे हमें सुविधा ये रहती है कि बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन होता है, खाद तैयार हो जाती है। और ये एक्स्ट्रा बेलिंग है, बेलिंग का जैसे आप देख रहे हैं फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये कम स्पेस में आप ज़्यादा धान को स्टोर कर सकती हैं, तो हम जहाँ कटाई होती है उसके बाद हम मशीन से बेलर कहते हैं, मशीन होती है उसके थ्रू इनको बंडल बना लेती हैं, तो सुविधा ये रहती है कि हमें एक प्लेस से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना हो मेटेरियल, तो आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ करना हो या और यूज करना हो तो उसे हमें भेज सकते हैं। तो ये तो मेजर मेथड हो गए आपकी। फिर इंडस्ट्रियल यूज जो है पैडी का, जो है तो पेपर मेकिंग है, जो कागज बनता है उस पर हम यूज करते हैं, गत्ते वगैरह जो देखते हैं आप देख रहे हैं उनका हम यूज करते हैं, इसमें पेपर मेकिंग यूज हो सकता है। बायोमास टू प्रोड्यूस एनर्जी, जहाँ ईंट के भट्टे हैं या जहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस तरह, वहाँ इस तरह पर हम उसे जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। पैकिंग मटेरियल है, जो कांच का सामान होता है आपने देखा, या डिफरेंट तरह की पैकिंग है जहाँ थर्मोकोल का या और प्लास्टिक का यूज करते हैं, वहाँ उसको अवॉइड करके हम पैकिंग मटेरियल में धान के पॉल को या पैडी स्ट्रा को यूज कर सकते हैं। मशरूम कल्टीवेशन है, जो मशरूम फंगस होता है उसकी हम कल्टीवेशन करते हैं, तो पैडी स्ट्रा मशरूम होता है जो पैडी पे ग्रो होता है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट तरह के जो किसान लोग हैं, रस्सी है या और तरह की चीज़ें जो बनाते हैं यूज के हिसाब से, उनका यूज हम कर सकते हैं। तो ये तो उसके अब तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसके बाद जो हमने बात करी करने जा रहे हैं, हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो हार्वेस्टिंग स्टोरेज की है। हार्वेस्टिंग क्या है, जब खेत में फसल खड़ी हुई तो काटते हैं, और हार्वेस्टिंग और स्टोरेज मतलब पूरी जो प्रोसेस है, हार्वेस्टिंग कब करेंगे, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्या होगा, उसके बाद हम थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसिंग के बाद उसे क्लीनिंग करेंगे, तो उसमें सब चीजें हार्वेस्टिंग में एम्प्लाइज कटिंग, कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद पर उसका पूरी जो प्रोसेस करते हैं वो सब चीजें हार्वेस्टिंग में आती हैं। तो टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है, सबसे बड़ी चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, कभी कभी हम अर्ली काट लेते हैं, कभी कभी लेट काटते हैं, तो उसमें सेटरिंग की प्रॉब्लम होती है, दाने झड़ने लगते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो ये इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी का मतलब यह है कि उचित जो है आपका खेत में जो ऐसी अवस्था हो फसल की जहां हम उसे काट सकते हो, ना बहुत पकी है ना बहुत अनराइप है, कच्ची फसल है, तो उस समय जैसे हम धान के केस में कहते हैं 80% जो आपके पेनिकल्स हैं, जो धान की बालियां हैं, ये तो गोल्डन कलर की येलो कलर में कन्वर्ट हो गई हैं, और जहां हम देखें उसमें थोड़ा सा हम तोड़ के सीड को देखते हैं, मुंह में दांत से तोड़ के देखते हैं, तो पता लग जाता है कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है। तो 20% मॉइस्चर और 80% धान की बालियां जो है पेनिकल हैं, जो गोल्डन येलो कलर की या पीले कलर की हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग में मैनुअल हार्वेस्टिंग है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है, जैसे आप देख रहे हैं मैनुअल चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये हाथ से जैसे और करते हैं लोग, हसिया के थ्रू या सिकल्स होते हैं, हसिया के थ्रू हम क्रॉप काटते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं। मैकेनिकल में है जो हमारे पास और मशीन्स हैं, जो हार्वेस्टर अवेलेबल हैं, चाहे रीपर हैं और सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उनके थ्रू हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उसमें हमें सुविधा ये रहती है कि हमारी जो है टाइम भी बचता है, और टाइम बचने के साथ साथ हम और कम ज़्यादा काम कम समय में हम कर लेते हैं। उसके बाद तो मैनुअल के साथ साथ दोस्तों, मैनुअल हार्वेस्टिंग के साथ मैकेनिकल में कई तरह की जो हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, हमने किताब में भी बताए हुए हैं, और लोकल एरिया के हिसाब से ये बने होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए।
उसके बाद थ्रेसिंग है, इसमें कंबाइन का भी यूज करते हैं। तो कंबाइन तो ऐसी चीज होती है, उसमें हार्वेस्टिंग से लेके थ्रेसिंग तक सब कुछ हो जाता है, सीधा आप उसे फिलिंग कर सकते हैं बैग में। तो थ्रेसिंग का पार्ट है, उसमें टेम्पलिंग है मैनुअल थ्रेसिंग में, और थ्रेसिंग टेबल रैक है, पेल्टर थ्रेसर, ये सभी जो मैनुअल थ्रेसिंग करते हैं किसान लोग गाँव करते हैं, टेम्पलिंग है जो बैल से थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग टेबल रैक में जो है थ्रेसिंग टेबल के ऊपर हम पीट पीट के उसे निकालते हैं, या पेडलर होते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे ये महिला काम कर रही पेडलर थ्रेसर पर पैर से चलाते जाते हैं, उससे हम थ्रेसिंग कर लेते हैं। फिर मैकेनिकल थ्रेसिंग में है आपका, इसमें तमाम तरह की जो है मशीन, स्मॉल स्टेशनरी मशीन थ्रेसर छोटे छोटे अवेलेबल हैं, जिनके पास कम होल्डिंग है, खेती थोड़ी है, वो इन चीज मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। लार्ज मशीन है, जिनके पास बहुत लार्ज स्केल पर होल्डिंग है, बहुत लंबे स्केल पर खेती कर रहे होते हैं, उनके लिए जो थ्रेसर होते हैं वो लार्ज स्केल है। कंबाइन थ्रेसिंग है, कंबाइन एक ऐसी मशीन होती है जो हम आपको बता चुके हैं कि कंबाइन जब खेत में चलाते हैं, ये कंबाइन तभी यूज कर सकते हैं जब बहुत लार्ज एरिया में बड़े बड़े फील्ड हों, तो यहाँ मशीन से हम उसको कंबाइन चलाते हैं। कंबाइन चलाने में क्या है कि हमारी हार्वेस्टिंग भी होती है, साथ साथ में हार्वेस्टिंग बाद थ्रेसिंग भी हो जाएगी, क्लीनिंग भी हो जाएगी, और आप सीधे सीधे उसको हम बोरों में धान की फसल को इकट्ठा करके मार्केट में डायरेक्ट ले जा सकते हैं। तो कंबाइन जो है क्लीनिंग एंड रोइंग जो होता है, तो उसमें सब चीजें जो होती हैं, जो है कि जब हम मार्केट में ले जाते हैं तो हमारे पास दूसरे तरह की चैनल शुरू होती है। तो ये क्लीनिंग में जो ग्रोइंग में जो स्टेप्स है जो मैं आपको आप देख रहे होंगे, इन सब के बारे में जानकारी दी है। अंतिम 5 मिनट डॉक्टर पाठक हमारे पास बचे हैं। ठीक है सर, स्टोरेज में तो कई तरह के स्टोरेज करते हैं, बैग में स्टोरेज है, बल्क का स्टोरेज है, हर्मेटिक स्टोरेज है। हर्मेटिक स्टोरेज का मतलब एयर टाइट चैम्बर्स में भरते हैं, या पॉलिथीन से करते हैं, या पैक करते हैं। तो इस तरह के जो स्टोरेज होते हैं जो हर्मेटिक स्टोरेज के बारे में, तो ये किसान अपने अपने हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट होती है और जैसा स्पेस होता है उस हिसाब से इन चीजों को यूज करते हैं। अब जो मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, जो पैडी मार्केट है, तो पैडी मार्केट में सबसे बड़ी चीज है प्राइमरी मार्केट फ्रेश मार्केट कहते हैं, डेली मार्केट कहते हैं, जहां जाके चीजें बेचते हैं, या जो रूरल मार्केट होते हैं, ये सब प्राइमरी मार्केट्स में आते हैं, फ्रेश मार्केट कहें या रूरल मार्केट कहें। सेकेंडरी मार्केट ये जो प्राइमरी मार्केट से हम प्रोड्यूस को खरीदते हैं, वहाँ थोड़े छोटे बड़े आढ़तियाँ होते हैं और जो थोड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आके सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं, यानी मंडीज भी कहते हैं, तो मंडी में आके वो बेचते हैं। अब इसमें कोई ऐसा चैनल नहीं कि आप फॉलो करें, आप अपने डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट में भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, प्राइमरी में बेच सकते हैं। एक टर्मिनल मार्केट है, यहाँ टर्मिनल मार्केट में क्या होता है कि जो इंड प्रोडक्ट है जो हमारा हमारे पास जाता है रिटेल के थ्रू जाता है, इसमें एक्सपोर्ट करते हैं, जब हमने बल्क में परचेजिंग होने के बाद में हमें एक्सपोर्ट करना है, या हमें जो मतलब कंज्यूमर है वहां तक चीजें पहुंचानी है, वो टर्मिनल मार्केट के अंतर्गत आता है। और बेस्ड ऑफ टाइम स्पान डेली है, वीकली होती है, सीजनल मार्केट्स होते हैं, इस तरह से गांव में अवेलेबल होती है। मार्केटिंग चैनल की बात है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीधे जाके हम डायरेक्ट बेच सकते हो, इनडायरेक्ट में जहां होते हैं जो मीडिएटर होते हैं उनके थ्रू जाते हैं। तो इसमें चैनल्स हैं प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, सीधा सीधा आपने जैसे दूध हम पैदा करते हैं तो दूध पैदा किया हमने सीधा सुबह कंज्यूमर के पास चला गया, तो ये डायरेक्ट हो गया प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर है आपको। या कुछ ऐसे जो पेरिसेबल आइटम्स हैं जो जल्दी खराब होते हैं, प्रोड्यूसर रिटेलर्स कंज्यूमर एक ये चैनल है, रिटेलर के थ्रू बेचते हैं, या प्रोड्यूसर ने किसान ने पैदा किया, होलसेलर से खरीदा, होलसेलर के बाद रिटेलर पर और कंज्यूमर पर गया, इस तरह से जो चैनल है। और ये कृषि उपज मंडी है, इन सब चीजों में भी हम चीजों का मार्केटिंग की ही प्रोसेस होती है, और सब में अलग अलग पैटर्न होते हैं। अल्टीमेट इस तरह के पैटर्न है किसान की सुविधा के लिए। उसके बाद है इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में, जो मैं आपको बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहाँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट फैक्टर होते हैं, जो मानसून होता है एवरेंट हो जाता है, जैसे एवरेंट मानसून का मतलब हमारा है डिले अराइवल ऑफ ऑनसेट मानसून, मानसून डिले हो गया आने या जाने में, टाइमली ऑनसेट मानसून नहीं हुआ, या अर्ली विड्रॉवल हो गया, मानसून पहले चला गया समय के पहले, या मानसून बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में खेत हम कैसे मैनेज करेंगे। तो जो एवरेंट में अर्ली ड्राउट है, मिड सीजन ड्राउट है, या जो शुरू में ही सूखा पड़ गया, या फसल तैयार हो गई, सब कुछ अच्छी ग्रोथ चल रही थी, फिर पानी नहीं बरसा, सूखे की पोजीशन आ गई है, तो टर्मिनल और लेट सीजन ड्राउट है, क्रॉनिक ड्राउट है। क्रॉनिक ड्राउट का मतलब है कि उसमें पानी नहीं बरस रहा है, और मतलब उस समय कंडीशन हमारी बड़ी हॉरिबल हो जाती है, क्योंकि पानी ना होने की वजह से, क्रॉनिक स्टेज होने की वजह से क्रॉप को बचाना कठिन होता है। तो ये चीजें इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि अब मान ली हमारे पास लाइफ सेविंग इरीगेशन है, दो सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल है, तो हम देखें कि हमें ये पानी को कहाँ यूज करना है, क्रिटिकल स्टेज क्या है, कि इस स्टेज को करेंगे तो हमारा लॉस भी कम होगा और पैदावार भी कम से कम हमारी प्रभावित होगी। तो जैसे दो पानी अवेलेबल है तो कब लगाएंगे हम, ज्यादा पानी अवेलेबल कब लगाएंगे, तो ये सब चीजें हैं स्टेज पर डिपेंड करती हैं।
फिर ये एवरेंट में क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे, ये चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। तो और उसके बाद हम वेदर के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, या लेट मानसून आ रहा है तो लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी होंगी, मिड ड्यूरेशन की वैरायटी होंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटीज होंगी, कुछ ऐसी हैं जो और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें वैरायटी का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी मानसून कंडीशन में, किस तरह करेंगे। दूसरी बात, हमें नर्सरी कई तरह से तैयारी करनी पड़ती है 10 डेज के अंतर्वर्त से, उससे अलग मान ली लेट होगी दूसरी तरह की नर्सरी को हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान रखने के लिए बच्चों को बताने के लिए। दूसरा जो लास्ट में हम आपको बता रहे हैं, मेंटेनेंस हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब प्रिवेंट हजार्ड्स, ये जो अक्सर देखा कि थ्रेसिंग के टाइम में जब थ्रेसिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो किसान के पैर कट जाते हैं, किसी का थ्रेसिंग में हाथ चला जाता है, या किसी को करंट से मौत हो जाती है, या किसी को केमिकल से कुछ दिक्कत पैदा हो जाती है। तो ये जो सब चीजें होती हैं, ये सब उसमें हजार्ड्स में आती है। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इस चीजों को किसान से लेके और कोई भी बच्चा है इन पर ध्यान नहीं देता है। तो कम से कम ये एजुकेशन, आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, तो आप इन चीजों पर जरूर ध्यान दें। तो मैकेनिकल हजार्ड्स होता है जो मशीन से होता है, केमिकल है जो केमिकल से होते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से काम धंधा करते हैं जब हम तब पता लगते हैं, और एर्गोनॉमिक है ये पोस्चरल से होता है, जैसे हम एक पोस्चर में बैठे बहुत लंबे समय काम करते रहते हैं, या कोई इक्विपमेंट को या कोई टूल्स को हम यूज कर रहे हैं वो गलत डिजाइन है तो हमें ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है हमारे बॉडी पे। और इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है जो बिजली के उपकरण है, ट्यूबवेल्स में यूज करते हैं, कंबाइन है, थ्रेसर, जहां बिजली की चीजें यूज करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हजार्ड्स होते हैं वो हम यूज करते हैं। और केमिकल में तो आप देखते ही हैं, उसमें सिंबल्स बने होते हैं, पॉइजन, पॉइजन येलो, रेड, डेंजर, पॉइजन, ये सिंबल्स हैं आपकी जो है जो टॉक्सिटी है जो जहरीला पदार्थ की, ये इंगित करते हैं। तो इन्हें हम देख के समझ जाते हैं कि इसमें कितना पॉइजन है, इसको हमें कैसे प्रिकॉशन लेने हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर में आपके पास जो है, डॉक्टर पाठक मैं माफी चाहता हूं कि समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, अब इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन बहुत ही कमाल की ये जर्नी रही, प्लांट लगाने से, बीज बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक, उस फसल को ले आने से मार्केट में बेचने तक, और भी जितनी भी दिलचस्प पहलू इसमें हो सकते हैं फसलों से संबंधित, उस पर तफसील से एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर समझा। आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पाठक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे, जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नया प्रोग्राम लेकर। तब तक आप देखते रहें प्रधानमंत्री विद्या चैनल। अपना खास ख्याल रखें, नमस्कार। थैंक यू।